Hi, I'm Param and you're watching me on Rolling Frames Entertainment. I hope you liked my last session and you're liking all the sessions from these great speakers with these amazing guys from Rolling Frames Entertainment. So today we're going to discuss how CEOs structure their day. There are a lot of things. You only don't need to focus on work. Our day becomes monotonous in office जब हम सिर्फ काम पे focus करते हैं and हम ये सोचते हैं कि काम ही हमारा major part है and और उसमें कुछ नहीं है. We forget relations, we forget people, we forget to chill out. वो सारी चीजें हम छोड़ देते हैं. So I'll tell you what to do in the gaps or pockets. I call them free pockets of your day. So ये free pockets होती हैं before work, during lunch time, tea time or after work. And that is actually the major part of your day, not your work. So work is fine. We'll discuss about knocking down your checklist at work as well. But let's start with discussing कि सुबह हम काम से पहले क्या कर सकते हैं and how can we make our day productive. So before work, my personal favorite is hitting the gym. आप कुछ भी कर सकते हो. You can watch your favorite videos on Netflix. You can see some educational content. You can listen to some music or maybe MTV in the morning. That's totally fine. But make sure whatever you do is totally productive and energizing. Because the morning time is one such time jab aapki body mein, aapke mind mein maximum energy hoti hai. So make sure you do something productive. Once you get to the office, you should have your task list for the day in your mind. आपके वो दिमाग में ऑलरेडी होना चाहिए. सो पीपल डू जनरली से कि एक दिन पहले आप अपना टास्क लिस्ट सोच के रखो एंड एक दिन पहले ही वो सारा टास्क लिस्ट आप जॉट डाउन कर लो. बट आई डोंट रियली बिलीव इन दैट बिकॉज एक दिन पहले हमारे पास और बहुत कुछ होता है करने के लिए. सो आई जनरली डिसाइड माई टास्क लिस्ट जब मैं ऑफिस को ड्राइव कर रहा होता. सो मुझे पता होता है कि ये चार मेजर काम आज मेरे को नॉक डाउन करने हैं. एंड देयर इज ऑलवेज दिस वन टास्क जो बहुत ही बोरिंग एंड बहुत ही टीडियस होता है या बहुत टाइम टेकिंग होता है. एंड वी जनरली फील कि यार ये करना ना पड़े तो बहुत अच्छी बात है. बट मेक श्योर यू नॉक डाउन दैट टास्क फर्स्ट. अगर आपने वो वाला काम सबसे पहले कर लिया, यू आर डन विद 50% ऑफ योर डे. एंड जो बाकी के काम है, यू विल एंजॉय डूइंग दोज टास्क. सो मेक श्योर द बिगर वन, द बिगेस्ट वन गेट्स नॉक डाउन फर्स्ट. ओके, सो दिस इज हाउ यू नॉक डाउन टास्क लिस्ट. अगर आपका 10 टास्क का एक लिस्ट बना है ऑफिस में एंड यू नॉक डाउन 8 आउट ऑफ देम, इट्स टोटली फाइन. एंड दैट लिस्ट डिपेंड्स अपॉन योर आइडियाज और योर डेली ऑपरेशनल टास्क. हमारे पास एज सीईओज, एज स्टार्टअप ओनर्स, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हैविंग अ लॉन्ग लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स. उसमें हमारे आइडियाज भी होते हैं, हमारे डेली टास्क भी होते हैं. बट यू नीड टू फिगर आउट What's that most important task जिसका एक immediate effect होने वाला है आपके आज के काम पे. You need to figure out that task and you need to knock it down. So वो task list आप अपनी ये सारी चीज़ें सोच के बनाएं and knock down at least 80% of the task and you are done with the day. So do not worry about the remaining 20%. That's totally fine. Lunch time. That's the most energizing part of the day. I am always excited about lunch time. Even if I have not brought my lunch from home, I always order something nice for myself. क्योंकि लंच टाइम एक ऐसा टाइम होता है, अनटिल देन यू ऑलरेडी स्टार्ट फीलिंग वेरी लेजी. एंड लंच टाइम के बाद तो हम वैसे ही लेजी हो जाते हैं. सो देयर इज प्ले एंड गेम्स एरिया इन माय ऑफिस फॉर रिलैक्सिंग आफ्टर लंच टाइम. बट आई मेक श्योर आई ऑर्डर माई सेल्फ अ नाइस लंच और गो आउट विद अ फ्रेंड एंड हैव अ नाइस लंच समवेयर. सो वो एक बहुत एक्साइटिंग पार्ट है. यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक, यू कैन हैंग आउट विद योर कलीग्स, यू कैन टॉक समथिंग विद योर पार्टनर्स जो आप काम के बारे में नहीं करना चाहते. एंड काम के बारे में आप बात ही मत कीजिए ऑल टुगेदर. सो दैट्स वन टिप. टी टाइम इज अगेन, इट्स समथिंग एक्साइटिंग. इंडिया में चाय इज समथिंग वेरी एनर्जाइजिंग. आप यू डू नॉट गेट लो विद चाय. चाय इज समथिंग दैट किक स्टार्ट्स. वो आपका एक नए सिरे से डे स्टार्ट कर देता है चाय, राइट? सो दैट्स समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी. सो मेक श्योर यू हैव द परफेक्ट ऑफ द टी. आपके ऑफिस में अच्छी नहीं मिलती है, सो कंप्लेंट अबाउट इट. आप उसको चेंज करवाइए. हैव सम कॉफी, ब्लैक कॉफी और एनीथिंग दैट यू लाइक. बट उसको एक किक स्टार्टिंग पॉइंट लेके चलिए कि उसके बाद के जो 2 घंटे हैं, यू हैव टू मेक दैट फुल ऑफ एनर्जी, राइट? आफ्टर वर्क. नाउ दिस इज वेयर माई डे लाइज. आई डू नॉट फील माई डे इज एट वर्क. दैट्स समथिंग आफ्टर वर्क. क्योंकि आफ्टर वर्क में मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं.
I hang out with my friends, I generally grab some groceries from the market, and I need to see some busy place personally. It may be something else for someone else. So all these pockets have to be planned according to what you feel. Aapko before work gym jana hai, that's your interest. And you can test it out. Kal main gym gaya tha, my day was better than today, so you can test it out. आप वो टेस्ट आउट करके अपना एक कस्टमाइज्ड रूटीन सेटअप कर सकते हो, बट दैट हैज टू बी डन डेली. ओके, दैट्स हाउ द प्रोडक्टिविटी कम्स इन. आफ्टर वर्क, सो आफ्टर वर्क इट्स जनरली शॉपिंग फॉर मी, हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, ग्रैब अ बियर और समथिंग, एनीथिंग दैट यू लाइक. मे बी टॉक ऑन फोन फॉर लॉन्ग आवर्स विद समवन यू हैवंट टॉक्ड टू सिंस वेरी लॉन्ग, सो इट कैन बी एनीथिंग, बट डू नॉट प्लान फॉर योर नेक्स्ट डे. दैट्स माई पर्सनल टेक. That's how you plan a day. And believe me, if you follow all these steps and you make that custom schedule for yourself, you're going to do it amazingly well. And your productivity, it's going to be 200%. So I hope all these steps really help you out to plan your day in a better way. Start infusing such things in your life and you'll love your work and you'll succeed in your startup or your office like anything. So my name is Param Kalra, signing off from Rolling Frames Entertainment. Do not forget to like, share and subscribe this video if you like, and stay tuned for our next session. Thank you.